हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुटोर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके हूं एक हेल्दी रेसिपी। आज हम बनाएंगे रागी ढोकला और इसके साथ सर्व करेंगे मोरिंगा चटनी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। घर में मिलते इंग्रेडिएंट से बन जाती है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। रागी ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रागी का आटा, जो इजीली मार्केट में मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आप रागी को मिक्सी में ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ रागी का आटा 1 कप। इसी के साथ इसमें जाएगा 1 कप सूजी, 1/2 कप दही और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत लगेगी तो हम वापस पानी डालेंगे। ये जो रागी ढोकले हैं, आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच या डिनर या हाई टी में भी सर्व कर सकते हैं। जब भी आपको खाने को मन करे तब बना सकते हैं। ये हेल्दी के साथ बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं। और मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल देती हूँ और वापस इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे ढककर 10 से 15 मिनट रेस्ट दे देते हैं। एक साइड हम स्टीमर ले लेते हैं और इसमें पानी डालकर इसे ढककर हम स्टीम होने के लिए रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक स्टीमर की डिश रख देते हैं और इसे मैंने तेल से ग्रीस करके लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे ढक देते हैं और स्टीम होने के लिए रख देते हैं। तो बैटर हमारा रेडी है। अब हम क्या करते हैं, इसमें इनो डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 शेष है इनो का लिया है और इसे एक्टिवेट करने के लिए 1/2 नींबू का रस डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें डाल देते हैं 1 टेबलस्पून अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने जो मिर्ची ली है, वो जो तीखी वाली मिर्ची आती है, इसका पेस्ट बना है। तो अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट लेना है, वो अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। तो ये बैटर जो है, 1/2 हम इस डिश के ऊपर रख देंगे। इसमें से 2 थाली ढोकले तैयार होते हैं। इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल देते हैं। इसके ऊपर दूसरा डिश रख देंगे और बाकी का जो बैटर है वो इस पे डाल देते हैं। इसके ऊपर भी लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं और इसे ढककर तो एटलीस्ट 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम करना है। ये स्टीम होता है तब तक हम एक चटनी तैयार कर लेते हैं। तो अभी हम मोरिंगा चटनी बनाएंगे, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। मोरिंगा चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक मिक्सर जार लिया है और इसमें मैंने 2 कप मोरिंगा के पत्ते डाल दिए हैं। तो ये जो मोरिंगा है, इसके पत्ते आपको लेना है। और मोरिंगा को गुजराती में सरगवा के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे सरगवा के पत्ते लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप लिया है। इसी के साथ इसमें डाल देते हैं हरा धनिया, तो फ्रेश हरा धनिया 1.5 कप लेना है। मिर्ची 3 से 4 नंग, 1 अदरक का टुकड़ा, 1/2 कप फ्रेश नारियल, तो इसका जो हार्ड पार्ट रहता है वो निकाल देना है। और इसमें डाल देंगे नींबू, तो यहाँ पे 1.5 नींबू का रस लेना है। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो ढोकला एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है, इसे निकाल देते हैं। 2-5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे और इसके बाद इसे हम कट करेंगे। मोरिंगा चटनी हमारी रेडी है। आप देख सकते हैं, इस तरह से गाढ़ी चटनी तैयार करना है। ज़रूरत लगे उतना ही पानी डालना है। तो ये चटनी परफेक्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए 2 टीस्पून तेल लेना है। जैसे ही तेल गर्म होता है, 1 छोटा चम्मच रई डाल देते हैं, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून उड़द की दाल, थोड़े से करी पत्ते। गैस ऑफ कर लेते हैं और तुरंत ही ये तड़का हम चटनी के ऊपर रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी टेम्प्टिंग ये चटनी लग रही है। और इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम कट कर लेते हैं। अब हम वापस तड़का तैयार करेंगे। तो इसमें मैं डाल देती हूँ 2 टीस्पून तेल।
जैसे ही तेल गर्म होता है इसमें डाल देते हैं रई, तो यहाँ पे एक टीस्पून रई ले रही हूँ। अब इसमें हींग डाल देते हैं, तो 1/4 टीस्पून हींग डाल रही हूँ, एक टीस्पून तिल, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़े से करी पत्ता। तुरंत ही इसे ढोकले के ऊपर रख देंगे। और इसे तुरंत ही हम सर्व कर लेंगे। तो हेल्दी एंड टेस्टी रागी ढोकले की रेसिपी आप जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही ढेर सारी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।